Yo, hi guys, that's Maddyfmk and welcome to my channel guys. Aap ka hardik swagat hai. तो गाइस आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज का टॉपिक है किडनी और लिवर्स के बारे में. तो गाइस जो आपके कमजोर ऑर्गन्स है आपके किडनी और लिवर्स, तो गाइस एक्चुअली ये ऑर्गन्स फंक्शन क्या करते हैं. गाइस आपका जो लिवर होता है दैट्स योर स्टोरेज हाउस. आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स को स्टोरेज करता है. और आपकी जो किडनी क्या सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ गाइस, मैं आपको एकदम डीपली नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में. और आपकी जो किडनी है वो प्रॉपरली आपके बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है. तो गाइस क्या है, आप एडवांस लेवल बॉडी बिल्डर हो, आप प्रो बॉडी बिल्डर हो या फिर आपका न्यूट्रिशन एकदम हैवी है, आपका न्यूट्रिशन हैवी होगा तो गाइस क्या करना है आपको. और न्यूट्रिशन हैवी होने की वजह से आपके ऑर्गन्स पर प्रेशर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है. तो गाइस मैं एक आपको छोटी सी टिप देता हूँ, मतलब आप वाटर तो कंज्यूम कर ही रहे हो पर एक छोटी सी टिप, मतलब एक छोटे से जूस के बारे में बताऊँगा गाइस आपको. छोटा सा जूस मतलब एक कैरेट बीटरूट और आंवला जूस. वो थ्री फ्रूट्स को अगर आप कॉम्बिनेशन करके उसका जूस बना के आप वीक में अगर 3 डेज भी अगर आप जूस कंज्यूम करते हो तो गाइस डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी और आपके ऑर्गन्स डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे. और गाइस किसको भी अगर ये ऑर्गन्स के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है तो उसको अगर ये जूस आप कंज्यूम करने बोलते हो या फिर एडवाइस देते हो तो डेफिनेटली उसको भी इफेक्टिव डेफिनेटली इफेक्टिव होगा. तो गाइस आपको बाकी कुछ नहीं करना, बाकी शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बाकी तो हम देख लेंगे. तब तक के लिए हेल्दी स्ट्रांग एंड फिट गाइस. चलो आई लव यू.